अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं सुबह सवेरे गांव जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह का सूरज निकला हुआ है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो ये हम गांव पहुंच गए। तो ये यहाँ पे शुरू में मस्जिद, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा है, सफाई को आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं जा रहा हूँ ज़ियारत की तरफ। और यहाँ पे लंगर का जगह है, यहाँ पे लंगर बनता है, सुबह का नाश्ता खाना सब कुछ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे लंगर है, ये सुबह सवेरे फिर भी लोग कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे आए सुबह सवेरे और सफाई को देखे। माशाल्लाह हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं खून पंजी बाबा में। तो ये मैं आप चप्पल रख लूँ और फिर ये अब मैं अंदर चला गया। तो मैंने यहाँ पे और कब्रों को दो सूरह फातिहा ये सब कुछ पढ़ा है। और ये अब मैं जा रहा हूँ आपको ज़्यारत चला गया। ज़्यारत यहाँ पे जी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये अब मैं अंदर चला गया, उन लोगों ने हमें चाबी दी कि दरवाज़ा आप लोग खोल दें। तो वैसे ये दरवाज़ा किसी को नहीं खोलते, किसी किसी को खोलते। तो ये हम सुबह गए थे तो ये दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया। तो यहाँ पे मैंने दुआ मांगी तो अभी मुझे चाबियाँ दी कि दरवाज़ा बंद करे। तो अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। तो ये मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि एक हाथ फारग नहीं था तो एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अब मैं ताला लगा रहा हूँ। तो ये ताला लग गया तो अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं बाहर की तरफ आ गया। और ये हमारे बाबा का अखुन पंजू बाबा का खिदमतगार था और इसकी कब्र इसके साथ नज़दीक है, इसने इनकी बहुत खिदमत की थी। तो ये अब मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे दादा अबू की कब्र है। तो अब मैं यहाँ पे दुआ मांग रहा हूँ। तो मैं बस ये दिखा रहा हूँ, मैं अब इसके बाद दुआ मांग रहा हूँ, वो वीडियो नहीं बनाई। तो बस फिर ये मैं दादा अबू की कब्र के पास जा रहा हूँ उसको दुआ करने। ये हम ईद के में आए थे तो ईद में आना ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोग भी हमारा इंतज़ार करते। तो हमने सूरह फातिहा पढ़ी है और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरह सब कुछ साफ़ सुथरा है। ये यहाँ पे हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं रंगल में ही है। तो ये सुबह का नाश्ता है तो अब चाय और रोटी तो माशाल्लाह इन लोग की रोटी इतनी सॉफ्ट होती है ना कि यहाँ पे बस अल्लाह का करम है कि रोटी किस तरह भी हो ये लोग और इतनी सॉफ्ट होती है। और चाय भी माशाल्लाह बहुत